सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलतियों को हमेशा माफ किया जा सकता है अगर आप में हिम्मत है अपनी गलतियां स्वीकार करने की। जिंदगी की खूबसूरती यह नहीं है कि आप कितने खुश हैं। खूबसूरत जिंदगी से तो यह पता चलता है कि आपसे मिलकर कितने लोग खुश हुए। जिंदगी और घर में अपनों का होना बहुत जरूरी है, वरना कितना भी एशियन पेंट करवा लो, दीवारें कभी नहीं बोलती। आज का पंचांग 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 9:35 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:01 से 6:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 8:02 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। तुला राशि 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार। अभी आपकी सरलता अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ प्रभावी बातचीत पर निर्भर करती है। जैसे आप कार्यालय और घर में योजना बनाते हैं, मरम्मत या नवीनीकरण से कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। अच्छे श्रोता बने और इससे आपको उपयोगी प्रतिक्रिया मिलेगी। अच्छा, आपके नजदीकी लोग किसी भी तरह से आपकी तवज्जो पाना चाहेंगे। सही राय चाहिए तो अपने परिवार के लोगों से मिलिए, यही आपको अपने अनुभव से जीवन का सही ज्ञान दे सकती हैं। घर की परेशानियों को सुलझाने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। आपको आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। यूँ तो आज आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको यह ध्यान भी रखना होगा कि आप अपने पैसे को व्यर्थ में खर्च ना करें। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। समय, काम काज, पैसा, यार दोस्त, नाते रिश्ते सब एक और आपका प्यार एक तरफ। दोनों आपस में खोए हुए कुछ ऐसा मिजाज रहेगा। आपका आज सहकर्मियों के साथ काम करते वक्त उपयुक्त और चतुरता की जरूरत होगी। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत फायदेमंद होगी। अगर हाल ही में आप व आपका जीवन साथी बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे थे तो आज माहौल बदल सकता है। आप दोनों आज बहुत मजे करने वाले हैं। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर या कार्यस्थल पर किसी करीबी की असमंजस्य की भावना को भी आज दूर कर पाएंगे। मित्र तथा सहकर्मियों का साथ गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम बनेगा। व्यवहारों का भी आदान प्रदान रहेगा। धार्मिक स्थानों संबंधित गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार पर बना रहेगा। संयम न होने से परिस्थिति जटिल बनेगी। आपके द्वारा हड़बड़ी में लिया गया निर्णय नई समस्या उत्पन्न कर सकती है, नुकसान हो सकता है। साथ में आपसे जुड़े हुए लोगों का आप पर विश्वास कम हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने नाराजगी प्रकट कर रहा है तो उसकी बातों को सुनकर समझने की कोशिश करें। काम को गंभीरता से न लेने के कारण काम की जगह क्लेश हो सकता है। लव रिलेशनशिप संबंधित कोई भी रिस्क न लें। खून संबंधित बीमारी ठीक होने में वक्त लग सकता है। आज आपका कोई अधूरा सपना पूरा हो सकता है। दोपहर में ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी, इस समय का सदुपयोग करें। सकारात्मकता और संतुलन सोच से योजनाबद्ध तरीके से काम पूरे होंगे। खर्च करने में ज्यादा नखरे ना करें। कोई करीबी आपकी परेशानी की वजह बन सकता है, ये समय भावुकता की बजाय व्यवहारिक होने का है।
सावधानियाँ, अपने स्वभाव का अवलोकन करें और सुधार लाएं, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक विचार हावी होने से आपके निर्णय डावाडोल हो सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास ना करें। कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपसे संबंध खराब कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी सहकार्यकर्ता की तरफ से आज आपको कोई प्रस्ताव मिलेगा, उसकी बात को ध्यान से सुने और उसके बाद ही निर्णय लें। याद रखें, दिल शीशे की तरह नाजुक होता है जो एक ही झटके में टूट सकता है। अपने शौक जैसे नृत्य, संगीत या कला के लिए यह समय उचित है। घरेलू मुश्किलों के बढ़ने के कारण आज आपको निराशा हो सकती है। आपके प्रियजन और अन्य लोग आपकी मदद करेंगे। आप आज दिमाग को शांत रखकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। मन ही मन में अगर किसी के लिए चाहत है किंतु इजहार करने से डर रहे हैं तो बेफिक्र होकर प्रपोज करें, निराश नहीं होना पड़ेगा। आपकी लव लाइफ कुछ ठहरी हुई सी है। आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सिंगल और काफी अलर्ट हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि जिंदगी में किसी का साथ पाने के बजाय और भी बहुत सी चीजें की जा सकती है। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो अपने जीवन में किसी का स्वागत करने के लिए नए टिप्स इकट्ठे कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। कुछ दिनों से एक प्रवृत्ति को बल मिल रहा था और उसका परिणाम आज दिखाई देगा। परिणाम दोहन करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। योग्य व्यक्तियों से मेल जोल बढ़ा कर रखें। सकारात्मक बातचीत से एक अभिनव व्यापार विचार को गति मिलेगी जो आपके पास है, उसे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। लालच को बढ़ने न दें। आपके आत्मा एवं अंतर्मन आपको गलत चीजों से दूर रहने में मदद करेगा। अगर आप जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं तो बहुत सा सकार्यकर्ता से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। व्यावसायिक परेशानी को निजी समस्याओं से मिक्स न करें। अपने शौक जैसे संगीत, नृत्य या कविताएं लिखने के लिए समय निकालें। संचार व लोगों से बातचीत के लिए यह समय अच्छा है। आज आपका व्यावसायिक जीवन सूरज की तरह जगमगा रहा है, क्योंकि आपके हर प्रकार से आपको शानदार परिणाम मिल रहे हैं। अपने अधिकारों और सहयोगियों से अपनी कड़ी मेहनत और योगदान के लिए सराहना प्राप्त होगी। अपने व्यवसाय के नुकसान बिक्री बढ़ाने के लिए नई उत्पाद नीतियां बनाएं। कार्य क्षेत्र में अपनी गतिविधियों तथा योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर न करें, कोई इनका गलत फायदा उठा सकता है। व्यवसायिक कार्य निकालने के लिए ऑफिसर, बॉस आदि के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। यह संबंध आपके लिए लाभदायक रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। अब समय आ गया है कि आपको अपनी थकान, रक्तचाप और शुगर का स्तर जांचने के लिए एक मेडिकल उपकरण खरीदकर अपने साथ रखना होगा। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। इससे आपको अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखने और एक संतुलित स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए हैं उनका प्रभाव जांचने में भी मदद मिलेगी। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।